आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। पुलिस अधीक्षक कासगंज के धरपकड़ अभियान ने जनपद कासगंज अपराधियों को पकड़ने में बेहतरीन असर दिखाया है। अभियान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पशु चोर इसी अभियान में दबोचे गए थे। चुनाव का समय है, तमाम आदेश निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उनके आलोक में इसमें और गति आएगी और हम हर प्रकार के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और हर प्रकार के अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। और प्रदेश की पशु चोरी पर लगाम सी लग गई थी, उसके बाद वाहन चोर भी दबोचे गए, जबकि वाहन चोर को पकड़ना एक अजीब पुलिसिंग, क्योंकि वह कोई असला नहीं रखते, साधारण से दिखने वाले व्यक्ति दिमाग में क्राइम रखते हैं। चुनाव के समय, चुनाव से पूर्व जनपद पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है जब इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है और दूसरों के लिए नशा, जिन्हें पकड़ना बड़ी कामयाबी है। समाचार ए टू जेड पर देखिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश, जो जनपद कासगंज पुलिस का मनोबल बढ़ाते ही रहते हैं। बहुत जल्दी ही चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए भारी संख्या में लोगों को बाउंड डाउन कराया जाएगा, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट अधीन कार्रवाई होगी और शराब के धंधे में जो संलिप्त हैं, अवैध असलाह बनाते हैं या बेचते हैं या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस प्रकार आज की एक महत्वपूर्ण बैठक इसी बात को तय करने के लिए थी कि आने वाले दिनों में चुनाव से पहले हम किस प्रकार की तैयारी करके एक अच्छा वातावरण, और जनपद पुलिस कुछ दिन बाद ही एक नया खुलासा कर देती। निकाय चुनाव के दौरान एक निर्देश ऐसा भी जिसने हाल ही शांतिपूर्ण मतदान करा दिया और जनपद पुलिस कार्य से कासगंज की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। चुनाव के समय, चुनाव से पूर्व जनपद पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है जब इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है और दूसरों के लिए नसीहत है। समाचार ए टू जेड के लिए कासगंज से रोहतास कुमार की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।